डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी हुई है वो प्रॉब्लम्स हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज ऑप्शंस दे रखे हैं 1, 2, 3 और मोर देन 3। तो यहाँ पे आपको जीरोस दे रहे हैं, वो जीरोस दे रहे हैं -2 और दूसरा दे रहे हैं 5। आपको ये बताना है कि इससे कितने पॉलिनोमियल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो अल्फ़ा जो है वो आपका -2 है और बीटा जो है वो आपका 5 है एज पर द क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस दे सकते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस गिवन है तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो x²-α+β(x+α β) ये होती है। तो करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 + 5 दैट इज़ 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2 × 5 दैट इज़ -10। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तो x²-α+β, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया 3 हो गया क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली 3 निकाली। तो x²-3x + α β कितना है -10। तो ये इक्वेशन होगी x²-3x - 10, ये इक्वेशन आपकी बन गई। अभी इस इक्वेशन में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि ये जो इक्वेशन ये तो एक बनी ना, इसमें से हम बहुत सारी बना सकते हैं। कैसे, अगर इस इक्वेशन ये जो आपका पॉलिनोमियल बना और कौन से जीरो से बना, इन दो से बना, तो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना, 2 × x²-3x - 10 जैसे ऐसे कर दूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x²-6x - 20। तो ये भी इक्वेशन, ये भी पॉलिनोमियल इसी में से बना और ये सही भी है क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी और, तो ये कितना हो जाएगा 3x²-9x - 30। ऐसे आप और भी नंबर से कर सकते हैं, जैसे हाफ के नंबर से कर सकते हैं, है ना, तो भी क्या होगा ये x²/2 - 3x/2 और यहाँ पे -10/2 दैट इज -5। तो x²/2 - 3x/2 - 5 हो जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल बन सकता है। तो मतलब इस दो जीरो से लेके हम बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, डी। हम लोग मोर देन 3 बना सकते हैं, मोर देन 3 मतलब 3 से भी ज़्यादा, और भी आप नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा बनती जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका CBSE 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी करते हैं, CBSE 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल (ky²+2y - 3k) इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी सम ऑफ जीरोज। ठीक है, वो है आपकी सम ऑफ जीरोज है वो ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब जो अगर मैं इस पे जाऊँ क्वेश्चन 2 पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा जो दे रहा है, अल्फ़ा प्लस जो बीटा दे रहा है वो दे रखा है ट्वाइस इंटू अल्फ़ा बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज जो है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का समझने वाला। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दे ही रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है (ky²+2y - 3k) और आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आपको करना है k, क्या फाइंड करना है k। तो हम चलते हैं, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें से तो इक्वेशन में से a निकाल रहे, a क्या होगा k, अब b क्या होना चाहिए 2, C क्या होगा -3। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a क्या होगा, b कितना है 2, -2/a दैट इज़ -2/k। ठीक है, ये आपका होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अल्फ़ा बीटा होगा c/a, तो c कितना है -3, तो -3/k। क्लियर हुआ ये आप सभी को? ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a -2/k हो गया, वो अल्फ़ा बीटा हो गया c/a -3/k। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था,
जो सम ऑफ जीरोस था मतलब अल्फा प्लस बीटा था वो ट्वाइस था किसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, टू इंटू अल्फा बीटा। तो इसी को हमको बस यहाँ पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस टू बाई के, तो हम पुट करते हैं माइनस टू बाई के इज इक्वल टू टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री बाई के। ठीक है, क्लियर है, ओके। एक चीज़ और इसमें, जो अल्फा बीटा है सी बाई ए, अगर आप सी को देखें ठीक है ना, तो सी यहाँ पे माइनस थ्री के होगा, तो ये एक छोटा सा एरर होगा। क्यों थ्री के होगा, क्योंकि ये एक स्केलर है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, पूरा एक नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री के बाई के। ठीक है, तो ये सी बाई ए जो होगा वो माइनस थ्री के बाई के होगा, ना कि माइनस थ्री बाई के होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ वाई होता ना, अगर यहाँ पे आपका वाई या कुछ वैसा नंबर होता तो माइनस थ्री लेते हैं, यहाँ पे वाई तो है नहीं, क्योंकि इक्वेशन वाई के फॉर्म में, पॉलिनोमियल वाई वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ जो के लगा हुआ है ना वो स्केलर क्वांटिटी, कोई नंबर हो सकता है वन टू थ्री, इसलिए यहाँ पे माइनस थ्री के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री के, क्लियर है। तो ये के और ये के कटेगा, ठीक है, ऑब्वियस ही चीज़ है, और ये माइनस कटेगा, ठीक है, और ये टू कटेगा, तो यहाँ वन बचेगा इज इक्वल टू थ्री के। ठीक है, तो के जो आएगा वो आएगा वन बाई थ्री, ओके। तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है, और अगर आपको तो एक और बार समझा देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो माइनस टू बाई के इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री के बाई के होता है। ठीक है ना, तो के कट गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो k उधर जाएगा, ये 2 इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स हो गया, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स के हो जाएगा, k उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा माइनस टू बाई माइनस सिक्स, जो कि आंसर आएगा आपका वन बाई थ्री। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये सी बी एस ई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स होल ब्रैकेट में एक्स प्लस टू इंटू ट्वाइस ऑफ के माइनस वन हैज सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी जैसा है, और ये डेली 2019 में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है। इसकी पहली कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो क्या आना चाहिए, आपको बोल रहा है कि सम ऑफ इट जीरोस इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो सम ऑफ जीरोस है जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं वो हाफ है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा का। तो क्वेश्चन को प्रोसीड उसी तरह करना है जैसे पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इंटू टू के माइनस वन, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें मैं फिर से बता दूं, के आपका स्केलर है मतलब कोई नंबर हो सकता है, एक्स आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका। तो सबसे पहले इसमें से हम ए बी सी निकालते हैं, तो ए आपका क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें से ए आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है, कुछ नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, क्योंकि वन यहाँ पे लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है। अच्छा, बी क्या आएगा, बी आएगा माइनस ऑफ के प्लस सिक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स के अलावा जो होता है उसके आगे जो होता है वो पूरा है ना। इसको आपको कंपेयर करना है कैसे इक्वेशन से, देखो इसको कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, पर ए के आगे यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे ए क्या आएगा, वन आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये प्लस है पर यहाँ माइनस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लिख के फिर ये पूरा माइनस में ले सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ के प्लस सिक्स, और सी क्या आएगा, सी आएगा आपका टू, टू इंटू टू के माइनस, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए सी क्या आएगा, टू इंटू टू के माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे कोई वाई एक्स वाला टर्म नहीं है। तो ये आपका होता है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो ए बी सी निकालना होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अल्फा प्लस बीटा पे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ माइनस ऑफ क्या, माइनस के प्लस सिक्स, ये हुआ अपॉन ए, ए क्या है वन, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस सिक्स होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा आया। अब अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो सी देख लेते हैं, ये क्या होगा टू इंटू टू के माइनस वन, टू इंटू टू के माइनस वन बाई ए दैट इज वन,
तो ये कितना हो जाएगा 4k माइनस क्या 2, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, अल्फा प्लस बीटा जो था वो हाफ था क्या अल्फा बीटा के, तो लिखें वैल्यू के हिसाब से क्या होगा कि k प्लस 6 जो अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ है किसका, 4k माइनस 2 का, ठीक है। अच्छा अब ये जो 2 डिनोमिनेटर में है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 2, ठीक है। तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 6 12, ये हो जाएगा 4k माइनस 2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और माइनस 2 इधर आएगा, माइनस 2 इधर आएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा वो उधर जाएगा तो 4k में से 2k माइनस हो जाएगा तो 2k बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2k, ठीक है ना। तो आपका k क्या हो जाएगा 14 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 14 बाई 2 क्या हो जाएगा 7, तो आपका k का वैल्यू क्या आएगा 7। ये क्वेश्चन डेली 2019 में पूछा था, वो भी 3 मार्क्स, तो ध्यान रखिएगा।